तो बीजेपी ने जो सपना देखा था वो एग्जिट पोल के जरिए सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको विपक्ष असंभव मानकर चल रहा था। खासकर अगर हम मिशन साउथ की बात करें, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उस पर मंथन कर रहे थे, उस पर चिंतन कर रहे थे, और बाकायदा उनकी तरफ से मिशन साउथ के तहत तकरीबन 146 रैलियां भी की गई थी, लगातार उनका फोकस बना हुआ था, और अब उसका रिजल्ट एग्जिट पोल के जरिए भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष इससे टेंशन में आ गया। आइए इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल आए तो आंकड़े देखकर तय हो गया कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने वाली है। अंक गणित देखकर विपक्ष जितना बौखलाया हुआ है, बीजेपी उतनी ही गदगद है। आंकड़ों ने बीजेपी की खुशी में चार चांद लगा दिए। वजह है दक्षिण भारत। विपक्षी पार्टियां जिस दक्षिण में बीजेपी को साफ मानकर चल रही थीं, उसी रीजन में कमल खिलता दिखाई दे रहा है। 129 सीटों वाले दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जो सीटें मिल रही हैं, वो चौंकाने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में खाता खोलना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहा है। 2019 दक्षिण की इन 129 में से 29 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन डबल यानी 55 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। दक्षिण को इंडी गठबंधन का मजबूत किला माना जाता है, वहां की पार्टियों का मजबूत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने सारे इफ एंड बट खत्म कर दिए हैं। बीजेपी ने दक्षिण के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चौंकाया, उनमें केरल है। केरल में मेट्राइज के एग्जिट पोल में 0 से 1 तो पी मार्क के एग्जिट पोल में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना की बात करें तो मेट्राइज के एग्जिट पोल में 6 से 9 तो पी मार्क के एग्जिट पोल में 6 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में मेट्राइज के एग्जिट पोल में 19 से 22 तो पी मार्क के एग्जिट पोल में 14 से 18 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। बेचारे राहुल गांधी जी एंड द होल पीपल द एंटायर क्रू ऑफ कांग्रेस गॉट स्केयर्ड and then they know that they're going to have to face a terrible questions and debates from the journalists and the different various but ultimately they knew nothing is going to happen and modi ji is going to be the modi ji. We all know that sonia ji mamma would have told rahul ji beta harna to hamari aadat hai, by now you should have got used to it rahul ji beta. हालांकि कर्नाटक में एनडीए को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। लेकिन आंकड़ों को देखकर विपक्ष टेंशन में है। विपक्ष को विश्वास ही नहीं कि दक्षिण में बीजेपी का विजय रथ तैयार हो गया है। लेकिन बीजेपी को दक्षिण में जो सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे की सालों पुरानी मेहनत है। माइक्रो लेवल पर बीजेपी का काम है। बीजेपी ने दक्षिण के किले में कमल का झंडा फहराने के लिए मिशन साउथ पर काम शुरू कर दिया था। पीएम मोदी ने मई 2014 से अप्रैल 2024 तक दक्षिण के 5 राज्यों की 146 यात्राएं की। केरल में बीजेपी को 2019 में वोट तो मिले थे, लेकिन कोई सीट नहीं मिल पाई थी। इसलिए बीजेपी ने रणनीति के तहत बड़े चेहरों पर दाव चला और बीजेपी की रणनीति कामयाब हो गई। इसी का नतीजा है कि अब केरल में बीजेपी का खाता खुलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इस चुनाव में अकेले उतरने की बजाय गठबंधन की रणनीति पर काम किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना से गठबंधन किया, तो तमिलनाडु और केरल में भी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनावी समर में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश की। बीजेपी दक्षिण के किले को भेदने के लिए पिछले एक दशक से कोशिश कर रही थी, और 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की जीत का सूर्य उगता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।